लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी एन कॉलेज के पास हूँ। बीपीएससी 3.0 का एग्जाम होने वाले है और ये पेपर लीक हो गया था, उसके बाद दोबारा एग्जाम हो रहा है। कुछ छात्रों से हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो हैं एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं, क्या बात करेंगे उनसे? एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी अच्छी है? पेपर लीक से डर लग रहा है क्या? हाँ, इस बार लेकिन तैयारी अच्छा व्यवस्था किया गया है। अच्छा, पेपर लीक होने वाला तो नहीं है, उम्मीद नहीं है पेपर लीक होगा। पेपर देने जा रही है? जी सर। कहाँ से आई है? हम तो बिहार शरीफ से सर। परेशान क्यों है? नहीं, परेशान नहीं है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, गर्मी बहुत है। कैसा एग्जाम है, तैयारी है? तैयारी तो अच्छा, अंदर जाके देखते हैं कितना मेमोरी पावर तेज रहता है तो अंदर जाने पर ही पता चलेगा। कल एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया, पता है आपको, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर? हाँ सर। वो उसमें सिर्फ पेटिशनर को जॉब लगना चाहिए या सबको लगना चाहिए जो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है? क्या सर? सिर्फ पेटिशनर को जॉब लगना चाहिए या सबको लगना चाहिए जो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है? सर, मेरे ख्याल से तो सबको लगना चाहिए, क्योंकि जॉब की जरूरत तो सबकी हो। सर, हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम देने आए हैं? एग्जाम देने के लिए चलिए बताइए। अभी एग्जाम से कुछ दिन पहले ही बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल कर दिया है, इस पर आप लोग की क्या आपत्ति है? कोई दिक्कत है आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन को लेकर के? नहीं, अगर सेट उस टाइप से नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूरी है, कोई टफ होता है, कोई मतलब इजी होता है, तो सर नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है सेट में। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। परसेंटाइल पर? परसेंटाइल पर मतलब कौन, आरक्षण को लेकर क्या बात कर रहे हैं? परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। परसेंटाइल मतलब कि क्या बोलते हैं, परसेंटाइल नहीं समझ रहे हैं आप? किसको परसेंटाइल? परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोग को प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इसके लिए प्रॉब्लम क्या रहेगा, लेकिन डोमिसाइल पे होना चाहिए। परसेंटाइल, ये नॉर्मलाइजेशन, ये सब तो परीक्षा का भी अंग है, ये तो हर एक एग्जाम में होता है, परसेंटाइल वगैरह, इससे कोई दिक्कत नहीं, बट डोमिसाइल के लिए कुछ होना चाहिए था। कैसी तैयारी है आपको? हाँ, तैयारी वो तो क्वेश्चन पेपर देख के बताया, ऐसे अपने आप में तो है कॉन्फिडेंस की हो जाना चाहिए। ये बताइए कि कल हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है, पता है आप लोग? हाँ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो इस पर जो पेटिशनर है, तकरीबन 101 स्टूडेंट हैं, उनकी जॉब तो पक्का हो गई, लेकिन जो 4000 वैकेंट है, तो क्या आप लोग ये मांगते हैं कि सिर्फ पेटिशनर है उनको जॉब मिले या उसके अलावा? नहीं, सब पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं, सब पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो मेहनत की है, केस किए हैं, पैसा खर्च किया? नहीं, वो तो है कि वो लोग जागरूक थे, आगे बढ़ करके केस किए हैं, लेकिन फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। सबको एक समान? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, फ़ायदा सबको मिलना चाहिए तब जी। चलिए, कुछ गर्ल्स वगैरह हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसी तैयारी है? वॉट, कैसा तैयारी है आप? इस बार टाइम मिला है तो तैयारी हुई है। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल से कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। और कल हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, कोई पता है आपको? हाँ, कल BPSC 3.1 का। किसका? BPSC 3.1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, जो पेटिशनर है उनको जॉब लग रही है, तो सिर्फ पेटिशनर को लगना चाहिए या जितने वैकेंट? मुझे उसके बारे में पता नहीं है, कल मैं। आप भी एग्जाम दे रही हैं, कैसा दे रही है? ठीक है। और पेपर लीक की वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ था, इस बार भी आप लोग को डर लग रहा है क्या? हाँ, लग तो रहा ही है, मगर इस बार नहीं हो सकता, क्योंकि भरोसा है कि भाई नहीं, बिहार है, होने का कुछ भी हो सकता है। अब ये तो भाई नहीं होना चाहिए, हम लोग का यही है भरोसा कि नहीं होना चाहिए। बार बार अत्याचारी होगा तो बेकार ना होगा, परेशानी ना बढ़ेगा आदमी को, ये सब नहीं होना चाहिए। तैयारी होने वाला को भी तो समय लगता है, समय देता है, सब काम धंधा छोड़ के बर्बादी होता है उसका भी तो हर समय, तो ये सब होना नहीं चाहिए आदमी को। अन्याय हो रहा है, नारी के साथ भी सब अन्याय हो रहा है ना। बच्चे भी जा रहे हैं, मैंने सेंटर है, स्कूल के सारे बच्चे भी जा रहे हैं, उसमें छुट्टी भी नहीं है स्कूल की। हाँ, कहाँ छुट्टी है, सब बैग लेकर घुस रहे हैं अंदर। उनका क्लास नहीं, क्लास होगा तो आज छुट्टी कर देना होना चाहिए ना, एग्जाम है तो। आप एग्जाम देने के लिए आए हैं कि दिलवाने हैं? दिलवाने हैं, दिलवाने के लिए। ये एन कॉलेज में सभी विद्यार्थी एंट्री करने लगे हैं, और कल ही हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था। क्या हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, कि जो पेटिशनर है उनकी जॉब पक्की है, लेकिन इस पर हम जब बात कर रहे हैं विद्यार्थियों से, उनका कहना है कि सिर्फ पेटिशनर को ही नहीं, जितने भी जो वैकेंट सीट है उस सारे को जॉब मिलना चाहिए। आप एग्जाम देने के लिए जा रही हैं? देखिए, सभी विद्यार्थी हैं और सब विद्यार्थी बोल रहे हैं कि इस बार पेपर लीक की बात है, पेपर लीक की वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो पेपर लीक से इन लोगों को डर नहीं है, क्योंकि इस बार सख्ती बरती गई है और बार बार पेपर लीक होने की संभावना कम है। बात कर रहे हैं हाईकोर्ट की,
रिजल्ट जो आया सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, कल ही रिजल्ट आया था, ये 19 से पहले रिजल्ट डिसीजन देना था क्योंकि 20 तारीख को ही जज साहब रिजर्व कर लिए थे और कल अपना डिसीजन सुनाए। और जो पेटिशनर है तकरीबन 101 स्टूडेंट, उन सभी विद्यार्थियों को जॉब देने की बात हो रही है, लेकिन जब यहाँ से हम यहाँ सभी छात्रों से बात किए तो मैंने उनसे बात किया कि क्या आप सिर्फ पेटिशनर को आप एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, हम एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हैं। दिलाने के लिए? अच्छा, ये बताइए कल डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, पेटिशनर सिर्फ पेटिशनर को जॉब देने की बात हो रही है, पता है आपको इसके बारे में? आपको नहीं पता है? नहीं पता। सर आपको पता है कल जो डिसीजन आया है, आपको पता है हाई कोर्ट का कल डिसीजन? हाई कोर्ट का जी ना, क्या आया सर उसमें? क्या वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट BPSC 3-1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था ना? हाँ, वो तो आया, केस किए हुए थे। हाँ, उनको आया है। हाँ, उसके बारे में पता है ना? हाँ, उनके बारे में तो पता है। ये उसमें जो है ना पेटिशनर को जॉब देने की बात हो रही है, सिर्फ पेटिशनर की अभी वो हो रहा है, लेकिन ये आयोग का काम है क्या करे क्या नहीं, लेकिन आप लोग एक बताइए कि सिर्फ पेटिशनर को? नहीं, पेटिशनर का नहीं है ना, जब रिजल्ट देना है तो जो अभी साथ उस कटेरिया को फुलफिल कर रहा है सबको जॉब मिलना चाहिए ना। ऐसा तो है कि जो बंदा जागरूक है केस कर दिया तो केवल उसी को जॉब मिलेगा? आयोग को ये चाहिए कि सबको जॉब दे, जो उसमें आ रहा है सबको जॉब दिया जाए, हमको का यही मांग है और क्या। जी हम गया से हैं। कैसी तैयारी? जी तैयारी कैसी है? बढ़िया है तैयारी से। पेपर लीक से डर लग रहा है? जी बिल्कुल डर लग रहा है, होने की संभावना आपको था? इसके पहले भी तैयारी था लेकिन इसके पहले भी हो गया था पेपर लीक, तो दिक्कत हुआ था। अच्छा, ये बताइए कल डिसीजन आया हाई कोर्ट का, पता है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट? नहीं, वैसा तो कोई पता नहीं। पता नहीं? नहीं। अच्छा, नहीं पता है। जो BPSC 3-1-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो विद्यार्थी केस किए थे, उस पर विद्यार्थी के पक्ष में डिसीजन है, यानी पेटिशनर है उनको जॉब लगे, तो क्या सिर्फ पेटिशनर को ही जॉब लगना चाहिए या बाकी सबको लगना चाहिए? नहीं, बाकी सबको रखना चाहिए। बाकी सबको लगना चाहिए? जी बिल्कुल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। मैडम पेपर देने जा रहे हैं आप? एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं, कैसे? क्या बोले, तैयारी कैसी है? तैयारी है, पहले से टीचर है, समय बिल्कुल मिल नहीं रहा था। पेपर लीक से डर लग रहा है आपको? नहीं, पेपर देने से डर नहीं लगता। पेपर लीक जो होती है उस पर डर? उससे डर लगता है, डर लग रहा है, उससे बहुत डर लगता है कि जो तैयारी करता है वो फेंका जाता है, जो तैयारी नहीं करता है सेटिंग में चला जाता है। कल हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया, पता है? नहीं पता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आ रहा है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, जो पेटिशनर है उनको जॉब लग रही है, तो क्या सिर्फ पेटिशनर को जॉब लगना चाहिए या बाकी सबको लगना चाहिए जो क्राइटेरिया पूरा करें? अरे जो है क्राइटेरिया पूरा करेंगे सबको लग जाना चाहिए जॉब। एग्जाम दिलवाने के लिए? हाँ हाँ। पेपर लीक से डर लग रहा है क्या? डर तो नहीं लग रहा है, इस बार व्यवस्था कुछ टाइट है, लेकिन बिहार है, बिहार है, कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता कुछ किसी चीज के लिए। नीट पेपर लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कल हाईकोर्ट का डिसीजन आया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, ये पेटिशनर है उनको जॉब लग जाएगी, तो बाकी पेटिशनर के अलावा बाकी सबको लगना चाहिए या सिर्फ पेटिशनर को? नहीं, जो मतलब बाकी जो उस रूल में आते हो उनको लगना चाहिए, चाहे जो भी हो, रुका हुआ है रिजल्ट तक, भाई मिलना चाहिए उन लोगों को मौका ना। तो मैं आपको AN कॉलेज से दिखाया, AN कॉलेज से जो विद्यार्थी एग्जाम देने से पहले जा रहे हैं BPSC 3-3.0 के लेकर के, कि सबकी बोला है क्या? आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ, परीक्षा देने जा रहे हैं। कहाँ से? हम तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट के? हाँ। कैसे तैयारी है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर डिस्ट्रिक्ट जिला, कैमूर जिला से हैं। हाँ हाँ, कैमूर भभुआ। जी जी हाँ हाँ। कैसे तैयारी है आपको? तैयारी हम लोग नहीं किए हैं, ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ाने पढ़ते हैं परीक्षा। हाँ हाँ, पढ़ते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। परीक्षा हम लोग मैंने प्रयास करेंगे, उसके लिए हम लोग हटने वाले पीछे नहीं हैं परीक्षा से। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? पेपर लीक के विषय में तो सरकार ना जानेगी, सरकार का मामला है, सरकार जाने, हम लोग क्या जाने, हम लोग परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देंगे। तो पेपर लीक से डर लग रहा है क्या? ना, हमसे कुछ नहीं डर लग रहा है, हम लोग क्या जानते हैं कि पेपर लीक है नहीं, हम लोग इस विषय में क्या बता सकते हैं, जो करे नहीं करे उससे हम लोग को लेना देना क्या है, वो सरकार जाने, सरकार का मामला ना है। तो मैं आपको दिखाया AN कॉलेज से, विद्यार्थी एग्जाम देने से पहले पूरे जोश में है और पेपर लीक से भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि इतना मेहनत करे फिर दोबारा पेपर लीक हो, लेकिन ऐसी संभावना कम है कि क्योंकि एक बार पेपर लीक हो चुका है, दोबारा ये एग्जाम हो रही है, तो पेपर लीक होने की संभावना कम है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो विद्यार्थियों का कहना है, यहाँ के छात्रों का कहना है कि सिर्फ पेटिशनर को नहीं, जो क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं सभी छात्रों को जॉब लगना चाहिए। मैं शंभु कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।